वर्ष 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित अजंता की गुफाएं भारत की ऐतिहासिक व सांस्कृतिक बहुमूल्य धरोहर हैं। यदि आप प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करने के शौकीन व कला प्रेमी हैं तो भगवान बुद्ध को समर्पित अजंता की गुफाएं आपके लिए एक अद्भुत पर्यटन स्थल है। घने जंगलों से घिरा हुआ रास्ते का सफर, प्राकृतिक सौंदर्य, बहती हुई नदी और झरना इस सफर को और भी अविस्मरणीय बना देते हैं। अजंता की गुफाओं की यात्रा वर्ष के किसी भी महीने में की जा सकती है। यह प्रत्येक सोमवार को छोड़कर पूरे वर्ष खुला रहता है, किंतु अक्टूबर से फरवरी तक सुहावना व ठंडा मौसम होने की वजह से यहाँ पर्यटकों का जमावड़ा अधिक होता है। गर्मी के दिनों में, खासकर अप्रैल व मई में अधिक गर्मी के कारण इन गुफाओं का विचरण थोड़ा तकलीफ देने वाला हो जाता है। बहरहाल यह फिर भी रोमांचक है। तो चलिए, आइए अब हम आपको अजंता की अद्भुत गुफाओं की यात्रा पर ले चलते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में जलगांव नामक रेलवे स्टेशन से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर फरदापुर नाम का एक गांव है। यहीं से लगभग 5.5 किलोमीटर की दूरी पर अजंता की पहाड़ियां स्थित हैं। अजंता की ये पहाड़ियां पश्चिमी घाट की सह्याद्री श्रृंखला में पड़ती हैं। इन्हीं अजंता की पहाड़ियों को काटकर अजंता की गुफाएं बनाई गई हैं। अजंता के समीप से ही वाघोरा नाम की एक नदी भी बहती है, जो कि एक जलप्रपात भी बनाती है। इस जलप्रपात को वाघोरा या सप्तकुंड वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। अजंता का नाम अजंता ही क्यों पड़ा, इस संबंध में कई मत प्रचलित हैं, जिसमें से एक यह है कि बौद्ध ग्रंथ महामायूरी में अजितंजय नाम के एक गांव का उल्लेख मिलता है, जो बाद में अजिंठा और फिर अजंता नाम से लोकप्रिय हो गया। अजंता की गुफाएं अर्धचंद्राकार या घोड़े के नाल के आकार में पूर्व से पश्चिम की ओर फैली हुई हैं। इन गुफाओं का निर्माण काल लगभग 200 ईसा पूर्व से लेकर 650 ईस्वी तक का है। अतः इन गुफाओं के निर्माण में कई राज सत्ताओं का योगदान रहा है, जिसमें से सातवाहन, वाकाटक, गुप्त व चालुक्य प्रमुख हैं। यद्यपि मौर्य काल से ही पहाड़ों को काटकर गुफा बनाने की परंपरा प्रारंभ हो गई थी, किंतु सातवाहन काल आते आते इसमें अत्यधिक उन्नति हुई। गुफाओं को ऊपर से नीचे की ओर बनाया जाता था। पहले गवाक्ष अर्थात जाने वाली जगह बनाई जाती थी, फिर छत, खंभे व दीवारें और फिर मुख्य द्वार बनाया जाता था। प्रवेश द्वार को कीर्ति मुख कहा जाता था। गुफा के सम्मुख चट्टान काटकर जो स्तंभ तैयार किए गए उन्हें कीर्ति स्तंभ कहा गया। अजंता में पर्वतों को काटकर बनाई गई कुल गुफाओं की संख्या 30 है। पहले केवल 29 गुफाएं ही ज्ञात थी। बाद में पुरातत्व विभाग द्वारा एक नई गुफा की खोज की गई, जिसे गुफा संख्या 15A नाम दिया गया है। अजंता की कुल गुफाओं को दो भागों में बांटा गया है, यह है चैत्य और विहार। अजंता की कुल गुफाओं में से 5 चैत्य ग्रह तथा शेष विहार है। दरअसल चैत्य का शाब्दिक अर्थ है चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गईं, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य अथवा स्तूप कहा गया। इन समाधियों में महापुरुषों के धातु अवशेष सुरक्षित थे, अतः चैत्य उपासना के स्थल बन गए। चैत्य ग्रहों की जो संरचना उपलब्ध है उसके अनुसार उनके आरंभ का भाग आयताकार व अंत का भाग अर्धवृत्ताकार होता था। इसकी आकृति घोड़े के नाल जैसी होती थी। अंतिम भाग में ठोस अंडाकार स्तूप बनाया जाता था, जिसकी पूजा की जाती थी। गौरतलब है कि चैत्य उपासना बौद्ध धर्म का अभिन्न अंग है। चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए जो आवास बनाए जाते थे उन्हें विहार कहा गया। इस तरह चैत्य ग्रह वस्तुतः प्रार्थना स्थल होते थे, जबकि विहार भिक्षुओं के रहने के लिए बने मठ या संघाराम। अजंता की प्रारंभ में बनी गुफाएं बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से व बाद की महायान से संबंधित।
हीनयान व महायान बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय हैं। जहां एक ओर हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है, वहीं दूसरी ओर महायान में उन्हें एक देवता मानकर उनकी मूर्ति की पूजा की जाती है। हीनयान की साधना पद्धति अत्यंत कठोर है और वह भिक्षु जीवन की हिमायती है। वहीं महायान के सिद्धांत सरल व सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। अजंता की गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारों ने अत्यंत सुंदर चित्र बनाए हैं। कुल गुफाओं में से वर्तमान में केवल 6 गुफाओं के ही भित्ति चित्र शेष बचे हैं। दुर्भाग्यवश बाकी सब नष्ट हो चुके हैं। भित्ति चित्र अर्थात म्यूरल पेंटिंग्स उन पेंटिंग्स को कहते हैं जो किसी ठोस संरचना जैसे छत, दीवार इत्यादि पर बनाए जाते हैं। अजंता में भित्ति चित्रों को बनाने हेतु फ्रेस्को तथा टेम्पेरा दोनों ही शैलियों का प्रयोग किया गया है। फ्रेस्को शैली में गीले प्लास्टर पर चित्र बनाए गए तथा चित्रकारी विशुद्ध रंगों द्वारा की गई। वहीं टेम्पेरा शैली में सूखे प्लास्टर पर चित्र बनाए गए। टेम्पेरा चित्रण की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें किसी भी प्रकार के बाइंडिंग मटेरियल जैसे गोंद, अंडे की जर्दी इत्यादि के साथ जलीय रंगों का प्रयोग किया जाता है। उस समय चित्र बनाने के पूर्व दीवारों को भली भांति रगड़कर साफ किया जाता था। फिर शिला चूर्ण गोबर मिट्टी चोकर इत्यादि का लेप फेंट कर उस पर चढ़ाया जाता था। इसके ऊपर चूने का प्लास्टर किया जाता था। खाका बनाने के लिए लाल खड़िया का प्रयोग किया जाता था। इस शैली के चित्रों में रेखाएं संतुलित हैं जो कि चित्रकारों की कुशलता का परिचायक है। चित्रण का माध्यम वनस्पतिक व खनिज रंग थे। रंगों में लाल पीला काला सफेद व नीले रंग का प्रयोग होता था। ध्यान देने वाली बात यह है कि अजंता के पहले के कहीं के भी चित्रों में नीले रंग का प्रयोग नहीं मिलता है। नीला रंग बनाने के लिए लाजवर्द का प्रयोग होता था जो कि फारस देश से मंगाया जाता था। अजंता की गुफाओं की चित्रण शैली को वाचस्पति गैरोला ने 3 प्रमुख भागों में बांटा है। ये हैं अलंकारिक, रूपभेदिक व वर्णात्मक। अजंता के चित्रों में विविध प्रकार की फूल पत्तियों, वृक्षों तथा पशु आकृतियों से अलंकरण का काम लिया गया है। किन्नर, नाग, यक्ष, अप्सरा, गंधर्व, गरुड़ आदि पौराणिक आकृतियों का प्रयोग स्थान भरने के लिए किया गया है। अनेक बुद्धों व बोधिसत्वों का चित्रण किया गया है। बुद्ध के भौतिक जीवन से संबंधित घटनाओं का भी चित्रण हुआ है। जातक ग्रंथों से ली गई कथाएं वर्णात्मक दृश्यों के रूप में उत्कीर्ण की गई हैं। अजंता की चित्र शैली का विकास शुंग, कुषाण, गुप्त, वाकाटक व चालुक्य वंशी इत्यादि राजाओं के काल में हुआ। इसके चित्रों में जीवन के भौतिक व आध्यात्मिक दोनों ही पक्षों की अति सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। इस चित्र शैली में हर्ष, प्रेम, क्रोध, भय, करुणा आदि भावों की सफल अभिव्यक्ति हुई है। ये चित्र उस काल की जीवन शैली, वेशभूषा व आभूषणों के साथ मानवीय मूल्यों व सामाजिक ताने बाने का निदर्शन करते हैं। भावनाओं को जगह जगह हाथों के संकेतों के माध्यम से भी व्यक्त किया गया है। यहाँ तक कि पशु व पक्षियों को भी भावनाओं के साथ दर्शाया गया है। इन चित्रों की एक अन्य अनूठी विशेषता प्रत्येक महिला आकृति का अद्वितीय केश विन्यास है। आइए अब वर्तमान में शेष बची हुई गुफाओं के बारे में एक एक करके बात करते हैं। गुफा संख्या 16 की चित्रकारी लगभग 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की गई है। इस गुफा से प्राप्त लेखों के अनुसार इस गुफा का निर्माण 475 से 500 ईस्वी के मध्य वाकाटक राजाओं ने करवाया था। इस गुफा में आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व काफी चित्र मौजूद थे, किंतु अब अधिकांश चित्र नष्ट हो चुके हैं। यह एक विहार गुफा है। जॉन ग्रिफिथ ने इस गुफा के एक प्रमुख चित्र बुद्ध उपदेश को प्रकाशित किया था। इसी गुफा में महात्मा बुद्ध की प्रलंबपाद अवस्था में मूर्ति प्राप्त हुई थी।
जिसे चैत्य मंदिरम कहा जाता है। आइए इस गुफा के कुछ उत्कृष्ट चित्रों को देखते हैं। बुद्ध उपदेश। इस चित्र में भगवान बुद्ध को स्वर्ग में अपने अंतिम जन्म के लिए अवतरित होते हुए दर्शाया गया है। इसकी बहुत सी आकृतियां नष्ट हो चुकी हैं। नंद कुमार का भिक्षु होना। इस चित्र में महात्मा बुद्ध के भाई नंद की कथा को दर्शाया गया है। कथा है कि जब महात्मा बुद्ध एक बार कपिल वस्तु आए तो वह अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल से मिलने के बाद अपने मौसेरे भाई नंद से मिले। बुद्ध नंद को अपने साथ ले गए और उसकी इच्छा के विरुद्ध उसका मुंडन कराकर संघ में शामिल कर लिया। यहाँ यही कथा दर्शाई गई है। इस चित्र में नाई को नंद के सिर के बाल काटते हुए दर्शाया गया है। एक मंडप में नंद बैठे हुए चित्रित हैं। भिक्षु बन जाने के बाद नंद अपनी पत्नी के वियोग से व्यथित थे, अतः अन्य बौद्ध भिक्षु उनका मजाक उड़ाते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध उन्हें आकाश मार्ग से अनेक सुंदर लोग दिखाने ले जाते हैं। ऐसा इस चित्र में दर्शाया गया है। मरणासन्न राजकुमारी। गुफा संख्या 16 का ही एक चित्र मरणासन्न राजकुमारी के नाम से प्रसिद्ध है। यह चित्र पति के विरह में मरती हुई एक राजकुमारी का चित्र है। राजकुमारी के चारों ओर परिवारजन शोकाकुल अवस्था में खड़े हैं। एक सेविका उसे सहारा देकर ऊपर उठाए हुए है तथा दूसरी पंखा कर रही है। एक स्त्री अत्यंत भावुक होकर राजकुमारी का हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए है। राजकुमारी का सिर गिर रहा है, आंखें बंद हैं तथा वह पीड़ा से कराह रही है। सफेद टोपी लगाए द्वार पर एक वृद्ध खड़ा है। सामने की ओर दो स्त्रियां हैं जिनमें से एक पारसी टोपी पहने हुए है और हाथ में एक ढका हुआ कलश है जो लगता है कि कोई औषधि है। विद्वानों ने इन राजकुमारी की पहचान बुद्ध के मौसेरे भाई नंद की पत्नी सुंदरी से की है। सुंदरी नंद के भिक्षु बन जाने की सूचना पाकर द्रवित है। माया देवी का स्वप्न। माया देवी के स्वप्न के चित्र में अब सिर्फ माया देवी के पैर ही शेष हैं। चित्र में शुद्धोधन और माया देवी स्वप्न की चर्चा कर रहे हैं। माया देवी के चारों ओर दासियां बैठी हुई हैं। इसी दृश्य के ऊपर बुद्ध जन्म के कई दृश्य हैं। सुजाता की खीर, बुद्ध के जन्म लेते ही सात पग चलने की कथा को कमल के सात फूलों के प्रतीक के माध्यम से चित्रित किया गया है। हस्ती जातक। 16वीं गुफा में ही हस्ती जातक की एक कथा चित्रित है। कथा है कि किसी पूर्व जन्म में बोधिसत्व ने एक शक्तिशाली हाथी के रूप में जन्म लिया। एक दिन जंगल में उन्हें कुछ लोगों के कराहने की आवाज सुनाई दी। आवाज का पीछा करते हुए बोधिसत्व ने देखा कि भूख प्यास से व्याकुल कुछ यात्री दर्द से कराह रहे हैं। ऐसा देख बोधिसत्व बड़े व्याकुल हो उठे। उन यात्रियों की भूख मिटाने हेतु उन्होंने स्वयं झील के पास वाली पहाड़ी से कूदकर मृत्यु का वरण किया। चार दृश्य। 16वीं गुफा में ही उन चार प्रसिद्ध दृश्यों को दर्शाया गया है जिन्हें देखकर बुद्ध के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ था। ये दृश्य थे एक वृद्ध, रोगी, शव और एक सन्यासी को देखना। महात्मा बुद्ध का महाभिनिष्क्रमण। इस चित्र में महात्मा बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण अर्थात ग्रह त्याग को दर्शाया गया है जिसमें वे अपने पुत्र, पत्नी तथा परिचारकों को छोड़कर जाते हुए दिखाए गए हैं। इस गुफा के अन्य चित्रों में बुद्ध का विद्याभ्यास, असित मुनि से वार्तालाप आदि को चित्रित किया गया है। गुफा संख्या 17। गुफा संख्या 17 का निर्माण वाकाटक राजा हरिषेण के श्रद्धालुओं ने करवाया था। इस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है। इस गुफा में विविध प्रकार के चित्र दर्शाए गए हैं जो कि महात्मा बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण व महापरिनिर्वाण की घटनाओं से संबंधित हैं।
जातक कथाएं सबसे अधिक इसी गुफा में चित्रित की गई हैं। महाकपि जातक। छदंत जातक, महिष जातक इत्यादि का चित्रांकन यहाँ किया गया है। गुफा संख्या 16 की तरह गुफा संख्या 17 में भी हस्ति जातक कथा वर्णित है। यह गुफा संख्या 16 से ही मिलती जुलती है। इसमें केवल इतना अंतर है कि यहाँ गुफा संख्या 17 में एक झरोखे के ऊपर गुलाबी रंग से एक लेख लिखा हुआ है, माता व शिशु का चित्र। गुफा संख्या 17 के समस्त चित्रों में माता व शिशु का चित्र अत्यंत आकर्षक है। विद्वानों के अनुसार इस चित्र में संभवतः महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा अपने पुत्र राहुल को बुद्ध को समर्पित कर रही है। असीम श्रद्धा व भक्ति भावना से ओतप्रोत माता व पुत्र दोनों एक टक रूप से बुद्ध को देख रहे हैं। महाहंस जातक। इस चित्र को वर्णन विधान के कारण अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। इस चित्र में महात्मा बुद्ध को एक जन्म में स्वर्ण हंस के रूप में अवतरित होता हुआ दिखाया गया है। कथा है कि काशीराज की रानी खेमा ने स्वप्न में स्वर्ण हंस देखा। तब रानी के कहने पर काशीराज की आज्ञा पर बहेलियों ने स्वर्ण हंस रूपी बुद्ध को पकड़कर काशीराज के समक्ष प्रस्तुत किया। काशीराज की सभा में हंस रूपी बुद्ध राजा को उपदेश देते हैं। काशीराज महात्मा बुद्ध को अपने सिंहासन पर बैठाकर उपदेश ग्रहण करते हैं। इसके अतिरिक्त इस गुफा के अन्य चित्रों में अप्सराओं व परिचारकों के साथ गंधर्वराज का आकाश में विचरण करना, काले मृग हाथी व सिंह के शिकार का चित्रण, पागल हाथी पर अंकुश, सिंघल वादन, विलासी का वैराग्य, राक्षसियों का रूपजाल, बंदर और भैंसा, बुद्ध के कपिल वस्तु लौटने का दृश्य इत्यादि को दर्शाया गया है। गुफा संख्या 9। अजंता की बची हुई गुफाओं में गुफा संख्या 9 व 10 के चित्र सबसे प्राचीन है। नवी गुफा में 23 खंभे हैं। इस गुफा में एक विशेष प्रकार की पगड़ी धारण किए हुए पुरुषों का भी चित्रण मिलता है। उनके गले में मोटी मोटी मालाएं हैं जिनमें धातु खंड गुथे हुए हैं। कानों में बड़े बड़े कर्ण फूल जैसे आभूषण, हाथों में मोटे कड़े, कमर में विशेष प्रकार के कमरबंद हैं। आइए इस गुफा के कुछ प्रमुख चित्रों को देखते हैं। बैठी हुई स्त्री का चित्र। जॉन ग्रिफिथ ने इस गुफा की एक दीवार का प्लास्टर का एक टुकड़ा छुड़ाकर उसके नीचे एक चित्र खोजा था जो एक बैठी हुई स्त्री का था। इस चित्र को गुफा संख्या 9 का सबसे प्राचीन चित्र माना जाता है। स्तूप पूजा। स्तूप पूजा गुफा संख्या 9 का एक प्रसिद्ध चित्र है। इस चित्र में 16 व्यक्तियों का एक समूह स्तूप की पूजा करते हुए दर्शाया गया है। सभी आकृतियों की केश सज्जा अलग अलग है। नाग पुरुष। इस चित्र में एक वृक्ष की छांव में दो नाग पुरुषों को बैठे हुए दिखाया गया है। नाग राजा को प्रजा की बातें सुनते हुए दर्शाया गया है। इस गुफा के कुछ अन्य चित्र हाथी द्वारा सूंड उठाकर स्तूप को प्रणाम करना, तीन छतरी वाला ठोस हर्मिका स्तूप, पशुओं को खदेड़ते चरवाहे इत्यादि हैं। गुफा संख्या 10। गुफा संख्या 10 की दीवार पर एक लेख खुदा हुआ है जिससे पता चलता है कि इस गुफा का निर्माण सातवाहन काल में हुआ था। इस गुफा में साम जातक व छदंत जातक से ली गई कथाएं चित्रित हैं। इसमें आम, गूलर व बरगद जैसे वृक्षों का भी चित्रण है। गुफा के स्तंभों पर बुद्ध की अनेक आकृतियां बनी हैं जिन पर गांधार शैली का प्रभाव है। आइए इन गुफा के चित्रों को देखते हैं। छदंत जातक की कथा। छदंत जातक से संबंधित बहुत से चित्र गुफा संख्या 10 में चित्रित हैं। इनमें हाथियों को जंगल में जल क्रीड़ा करते हुए व हाथी द्वारा हथनियों को सूंड में कमल देते हुए चित्रित किया गया है। छदंत जातक की कथा है कि हिमालय के घने जंगलों में सफेद हाथियों की एक छदंत प्रजाति निवास करती थी। इनके 6 दांत होते थे। छदंत हाथियों के राजा की दो रानियां महासुभद्रा व चुल सुभद्रा थी। एक दिन गजराज अपनी रानियों के साथ सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहे थे।
तभी गजराज ने खेल खेल में ही साल वृक्ष की एक शाखा को अपनी सूंड से झंझोर डाला। संयोगवश वृक्ष के फूल व पराग महासुभद्रा पर गिरे और वृक्ष की सूखी टहनियां चुल्ल सुभद्रा पर। चुल्ल सुभद्रा ने इस घटना को संयोग न मानकर स्वयं को अपमानित महसूस किया और उसी समय अपने पति का निवास स्थान त्याग कर चली गई। कथानुसार चुल्ल सुभद्रा का पुनर्जन्म हुआ और वह विवाहोपरांत वाराणसी की पटरानी बनी। पुनर्जन्म के बाद भी चुल्ल सुभद्रा की प्रतिशोध की अग्नि शांत न हुई। उसने राजा से छदंत राज के दांतों को मंगवाने का आग्रह किया। राजा ने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु निषादों की एक टोली बनवाई जिसका नेता सोनुत्तर को बनाया। 7 वर्षों तक इधर उधर भटकने के पश्चात सोनुत्तर छदंत राज के निवास स्थान पहुंचा। उसने वहां करीब ही एक गड्ढा खोदा और उसे लकड़ी और पत्तों से ढक कर स्वयं पेड़ों के झुरमुट में छिप गया। छदंत राज उस गड्ढे के समीप आया तो सोनुत्तर ने उस पर विष बुझा बाण चला दिया। बाण से घायल छदंत राज क्रुद्ध हो उठा, किंतु जब उसने सोनुत्तर को सन्यासियों का गेरुआ वस्त्र पहने देखा तो शांत होकर उसे जीवन दान दे दिया। लज्जित होकर सोनुत्तर ने छदंत राज को सारी बात बताई कि वह दांतों को प्राप्त करने के उद्देश्य से वहां आया है। छदंत के मजबूत दांत सोनुत्तर नहीं काट सकता था, अतः स्वयं छदंत ने अपनी सूंड से दांतों को तोड़कर सोनुत्तर को दे दिया और इस कारणवश उसकी मृत्यु हो गई। वाराणसी लौटकर सोनुत्तर ने छदंत राज के दांत रानी को देकर सारा वृतांत सुनाया। छदंत राज की मृत्यु का समाचार सुनकर रानी को बड़ा गहरा आघात पहुंचा और तत्काल उसकी मृत्यु हो गई। जुलूस का दृश्य। इसी गुफा में एक अति प्रसिद्ध राजकीय जुलूस का चित्रण है। इस चित्र में बोधि वृक्ष की पूजा करने के लिए राजा और उसका दल चित्रित किया गया है। इस दल में राजा 8 स्त्रियों के बीच में है जो तेजी से चल रही है। इसमें से एक स्त्री कलश उठाए हुए है। साम जातक कथा का दृश्य। इस दृश्य में अंधे माता पिता की सेवा करने वाले युवक को काशीराज के द्वारा तीर मार देने की कथा को चित्रित किया गया है। यह कथा श्रवण कुमार की कथा से मिलती जुलती है। गुफा संख्या 1। विद्वानों के अनुसार गुफा संख्या 1 के कुछ चित्रों को वाकाटक राजाओं के अंतिम वर्षों व कुछ को चालुक्य शासकों के समय में बनाया गया। यह एक विहार गुफा है। इस समय तक बुद्ध की आकृति का अंकन राजसी रूप में होने लगा और जातक कथाओं के स्थान पर सम्राटों के चित्र बनाए जाने लगे। इस गुफा में 14 कोठरियां हैं जिसमें कई सुंदर कथाओं का अंकन है। आइए कुछ चित्रों को देखते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर। यह अजंता की सबसे प्रसिद्ध चित्रों में से एक है। इसमें बुद्ध के दाएं हाथ में नीलकमल है और वह कुछ टेढ़ी मुद्रा में खड़े हैं। 3 शिखरों वाले मौली व गले में मोतियों की माला का अंकन भी बड़ी ही कुशलता व सूक्ष्मता के साथ किया गया है। इसी चित्र के बगल में एक नारी बनी हुई है जिसे काली राजकुमारी कहा जाता है। इस चित्र का कुछ भाग काला पड़ गया है। राय कृष्णदास जी का मत है कि सिंदूर से चित्रांकन होने के कारण आकृति के रंग काले पड़ गए हैं। वहीं कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि चट्टानों में गंधक का अंश रहा होगा जो जल में धुलकर वर्षा काल में चित्र के ऊपर चट्टानों से बहकर आया होगा, जिस कारण यह चित्र काला पड़ गया होगा। वज्रपाणि बोधिसत्व। इस चित्र में चित्रकार ने असीम दया व विश्व करुणा को बड़ी ही खूबसूरती से दर्शाया है। मार विजय। इस चित्र में बुद्ध का लगभग 12 फुट ऊंचा व 8 फुट लंबा चित्र उत्कीर्ण है। बुद्ध तपस्या में लीन है और एक लाल बौना उन्हें डराने का प्रयत्न कर रहा है। एक भयानक आकृति तलवार चला रही है। इस चित्र द्वारा महात्मा बुद्ध की काम भावनाओं पर विजय को दर्शाया गया है। फारस का राजदूत।
पहली गुफा के सबसे सुंदर चित्रों में से एक फारस देश के राजा परवेश खुसरो के राजदूत का चित्र है, जो कि चालुक्य नरेश पुलकेशियन द्वितीय के दरबार में आया था। इस चित्र में राजा दक्षिणी परंपरा के अनुसार अधो वस्त्र पहने हैं तथा राजदूत को ईरानी टोपी, जामा तथा चुस्त पैजामा पहने हुए चित्रित किया गया है। दंपत्ति का चित्रण। इस चित्र में प्रेमी द्वारा प्रेमिका को मधुपात्र देते हुए चित्रित किया गया है। इन चित्रों के अतिरिक्त पहली गुफा में शिवी जातक, चांपेय जातक, शंखपाल जातक इत्यादि से लिए गए अनेक दृश्यों का आकर्षक चित्रण किया गया है। गुफा संख्या दो। गुफा संख्या दो का निर्माण 500 से 550 ईस्वी के मध्य माना जाता है। कुछ विद्वानों के अनुसार यहाँ जो चित्र बने हैं वह 7वीं शताब्दी के हैं। गुफा की बाई भित्ति पर की एक श्रृंखला है जिसमें सबसे पहले किसी राजप्रसाद का चित्रण किया गया है। संभवतः यह बुद्ध की माता माया देवी का शयन कक्ष है। इसके आगे बोधिसत्वों का चित्रण है जिनके सिंहासन के दोनों ओर मकर की आकृतियां हैं। उनके हाथ धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में है। आइए कुछ अन्य प्रमुख चित्रों को देखते हैं। महाहंस जातक। यह चित्र गुफा संख्या 17 के चित्र से मिलता जुलता है जिसमें हंस के रूप में बोधिसत्व काशी के राजा व रानी को धार्मिक उपदेश दे रहे हैं। माया देवी का स्वप्न। यह चित्र उत्कृष्ट चित्रों में आता है। इसमें माया देवी अपने शयन कक्ष में सो रही है। स्वप्न में माया देवी ने एक श्वेत हाथी को अपने गर्भ में प्रवेश करते हुए देखा था। इस चित्र में सफेद प्रताप पुंज के प्रतीक के रूप में स्वप्न कथा को दर्शाया गया है। बुद्ध जन्म। दो बाएं अंगूठे वाली रमणी। राय कृष्णदास जी ने इस आकृति को भगवान बुद्ध की विमाता प्रजापति देवी का माना है। इस चित्र में चित्रकार ने गलती से दोनों पैर की उंगलियां एक जैसी बना दी हैं, जिस कारण इस आकृति को दो बाएं अंगूठे वाली रमणी के नाम से जाना जाता है। दूषित स्वर्ग। इस चित्र में महात्मा बुद्ध को स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान दिखाया गया है। उनका एक हाथ धर्म चक्र की मुद्रा में है और मुख के चारों ओर प्रभा मंडल है। पास में देवी देवताओं की आकृतियां उत्कीर्ण हैं। सर्वनाश। इस चित्र में एक वृद्ध भिक्षु को दर्शाया गया है जो कि एक लकड़ी के सहारे खड़ा है। उसका बायां हाथ थोड़ा चिंता की मुद्रा में है और दायां इस प्रकार घूम गया है कि मानो सब कुछ लुट गया हो। यह सब कुछ मिथ्या है, ऐसे भाव को प्रकट कर रहा है। झूला झूलती राजकुमारी की कथा। इस चित्र में उद्यान में झूला झूलती हुई राजकुमारी इंद्रवती को दर्शाया गया है। इस गुफा के अन्य चित्रों में बोधिसत्वों से उपदेश सुनती हुई काशीराज की राजमहिषियां, बोधिसत्व की पूजा में लीन एक साधक, धूत क्रीड़ा का एक चित्र व विधुर पंडित जातक, हंस जातक, रूर जातक इत्यादि से अनेक चित्रों को प्रदर्शित किया गया है। वर्तमान में अजंता की गुफाएं विश्व प्रसिद्ध हैं। यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत स्थलों में नामांकित किया है, किंतु इन गुफाओं के निर्माण के बाद कालांतर में ये गुफाएं इतिहास में कहीं खो गई थी। संयोगवश इनकी पुनः खोज हुई। अजंता की गुफाओं की खोज किसने की, इस संबंध में भी विभिन्न धारणाएं प्रचलित हैं। एक के अनुसार वर्ष 1819 में मद्रास सेना के कुछ यूरोपीय सैनिकों ने अकस्मात ही शिकार खेलने के दौरान इन गुफाओं का पता लगाया। विलियम एरिक्सन ने इसका विवरण प्रस्तुत किया। वर्ष 1824 में जनरल जेम्स अलेक्जेंडर ने रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में इन गुफाओं का विवरण प्रकाशित किया, जिससे दुनिया को इन अद्भुत गुफाओं की खबर लगी। 1844 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कहने पर इंग्लैंड की सरकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां बनाने हेतु रॉबर्ट गिल को भारत भेजा। रॉबर्ट गिल की अध्यक्षता में अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां बनानी शुरू की गई। 1866 तक 30 चित्र बना डाले गए जिसे क्रिस्टल पैलेस लंदन में प्रकाशित किया गया, किंतु दुर्भाग्यवश
बाद में क्रिस्टल पैलेस में आग लग गई और इनमें से 25 प्रतिलिपियां जल गईं। 1872 से 1885 के बीच जॉन ग्रिफिथ महोदय ने भी प्रतिलिपियां बनाई, किंतु बाद में ये भी दुर्भाग्यवश जल गईं। पुनः तीसरी बार लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में भारतीय चित्रकारों नंदलाल बोस, समरेंद्रनाथ गुप्त इत्यादि द्वारा प्रतिलिपियां बनाई गईं। 1915 में इन प्रतिलिपियों को इंडियन सोसाइटी में अजंता फ्रेस्कोस नाम से प्रकाशित करवाया गया। वर्ष 1908 से ही अजंता की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हेतु एक क्यूरेटर की नियुक्ति की गई तथा 1953 में इसे पुरातत्व विभाग के अधीन कर दिया गया। वर्ष 1954 यूनेस्को के द्वारा अजंता के रंगीन चित्रों का संग्रह पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स के नाम से प्रकाशित किया गया।